बॉलीवुड स्टार्स के फैंस हमेशा ही अपने फेवरेट स्टार्स के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। वो हमेशा ही ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन स्टार्स की लाइफ में आखिर क्या चल रहा है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपने फेवरेट स्टार्स की गंदी आदतों के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही बड़े स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी गंदी आदतों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। नंबर 5 पर है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता हैं। तो वहीं रणबीर कपूर में एक नहीं बल्कि कई सारी गंदी आदतें मौजूद हैं। रणबीर कपूर को अल्कोहल, स्मोकिंग और ड्रग्स जैसी और भी कई गंदी आदतें लगी हुई हैं, जिनको वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाते। नंबर 4 पर है सनी लियोनी। दोस्तों, सनी लियोनी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और हॉट अभिनेत्री मानी जाती है। तो वहीं इस खूबसूरत अभिनेत्री को भी बार बार पैर धोने की गंदी आदत लगी हुई है। हम आपको बता दें कि सनी लियोनी को हर 15 मिनट बाद पैर धोने की आदत है। नंबर 3 पर है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह एक ऐसे अभिनेता हैं जो बहुत कम समय में एक जाने माने एक्टर बन गए हैं। तो वहीं रणवीर सिंह में भी दो गंदी आदतें मौजूद हैं। पहली गंदी आदत ये कि रणवीर सिंह को बहुत ही ज्यादा परफ्यूम लगाने का शौक है, और दूसरी गंदी आदत ये है कि वो तैयार होने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं, जिसकी वजह से सभी लोगों को काफी ज्यादा वेट करना पड़ता है। नंबर 2 पर है शाहिद कपूर। शाहिद कपूर की फैन फॉलोइंग आज लाखों करोड़ों में पहुंच गई है, लेकिन इनकी बैड हैबिट की बात की जाए तो उसमें इनका बार बार कॉफी पीना शामिल है। हम आपको बता दें कि शाहिद कपूर को बार बार कॉफी पीने की गंदी आदत है। वो एक दिन में करीब 15 से 20 बार कॉफी पी जाते हैं। और नंबर 1 पर है शाहरुख खान। दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान को भी एक नहीं बल्कि दो गंदी आदतें हैं। शाहरुख खान को स्मोकिंग की सबसे बड़ी लत लगी हुई है, जिसको वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो दूसरी ओर शाहरुख खान को बार बार जीन्स खरीदने की भी गंदी आदत है। उनके पास अब तक 1500 से ज्यादा जीन्स हैं। तो दोस्तों, आप सभी को किस कलाकार की आदत सबसे ज्यादा अजीब लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।